युवक पर बदमाश ने चाकू से किया हमला। दरभंगा में नशे में धुत बदमाश ने एक युवक को चाकू घोंपा। अस्पताल में भर्ती आरोपी फरार। समस्तीपुर में युवक ने की फायरिंग, बाल बाल बचे लोग। ग्रामीणों ने घेरकर युवक को पकड़ा, पीटकर पुलिस को सौंपा। दूसरे मोहल्ले से युवक का एक और साथी धराया। भगवान राम के ससुराल का दशहरा। जनकपुर धाम के धनुष सागर में नौका विहार करते हुए रावण दहन करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। बेगूसराय में सड़क हादसे में युवक की मौत। दुर्गा पूजा का मेला देख भाई के साथ घर लौट रहा था, तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, जांच में जुटी पुलिस। मारावड़ी के संग तेज प्रताप का हवन, जींस टी शर्ट में दिखे तेज। हवन के बाद कन्याओं के पैर धोए, भोजन कराया। रामविलास की पत्नी रीना पासवान का आरोप, मंत्री बनने को पारस ने तोड़ी एसजीपी, देवरानी ने नहीं उठाया फोन। रेलवे में ज्वाइनिंग से 5 दिन पहले हत्या, मुंगेर में पीडीएस डीलर के बेटे का गला रेता, गोदाम में अर्धनग्न मिला शव। पटना में 2 दिन वैक्सीनेशन की छुट्टी, शुक्रवार और शनिवार को नहीं लगेगा कोरोना टीका, रविवार से फिर शुरू होगा। जेईई एडवांस में आरा के अर्णव को मिला 9वां रैंक, बनना चाहते हैं साइंटिस्ट। 2019 में साइंस ओलंपियाड में जीता था गोल्ड मेडल। 65वीं बीपीएससी टॉपर गौरव सिंह लौटे गांव चमड़हा, बैंड बाजे के साथ जुलूस निकालकर हुआ भव्य स्वागत, माँ बहन ने की आरती। बेतिया में युवक को चाकू मारकर किया घायल, पुराने विवाद को लेकर दुर्गा बाग मंदिर के पास अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, इलाजरत। गया के फल्गु पर रबर डैम अब 2023 तक बनेगा। मोक्षदायिनी नदी में सालों भर पानी का इंतजार बढ़ा, अभी डैम का बेस भी तैयार। पटना के सड़कों पर सन्नाटा, कोरोना के कारण नहीं हो सका गांधी मैदान में रावण वध, वर्चुअली देख सकेंगे कालिदास रंगाले का कार्यक्रम। सरकारी निर्देशों का विसर्जन पर असर, गंगा में पाबंदी, 11 अस्थायी तालाबों में हो रहा विसर्जन, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। छात्र जनशक्ति परिषद का गमछा हरे रंग का नहीं होगा, तेज प्रताप ने बदला गमछा का रंग, अब पीला और हरे रंग का होगा।